बीपी सिंह जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मान्यवर, पहले तो मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का समय दिया है। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 20 तारीख को जो एक एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उससे हमारा समाज यानी कि एससी एसटी का कोई भी समाज सुखी नहीं है और दुख महसूस करता है, क्योंकि इस प्रकार के जो पहले से इन पर अत्याचार हो रहे हैं, जो इसके माध्यम से कुछ अत्याचार नहीं होते थे, इसके इस प्रकार से निष्प्रभावी बनाने से क्या होगा कि वो जो आतंकवाद है, इनका आतंकवाद और बढ़ता जाएगा। जब गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो किसको डर रहेगा, उसको किसी बात का डर नहीं रहेगा। और ये निष्क्रिय यानी कि निष्प्रभाव कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। और ये षड्यंत्र जो किया गया है, ये आरएसएस के माध्यम से किया गया है, और बीजेपी इसमें चाहती है कि वो इस देश में वही व्यवस्था लागू हो, यानी कि एसटी इनका गुलाम बना रहे और इनका सेवक बना रहे, जैसे कि मनी व्यवस्था में लिखा गया है। हम नहीं चाहेंगे। आज देश अगर तरक्की किया है, वो सभी क्षेत्र में जो तरक्की किया है वो बाबा साहब के संविधान से किया है। अगर संविधान में जो प्रोविजन किया गया है, अगर आप उसको ही बदल दोगे, या ऐसे जो गरीब समाज है, दलित समाज है, उसके लिए कोई जो रूपरेखा तैयार कर दी है कि ये भी मुख्यधारा में बने, लेकिन ये समाज यानी कि भगवा समाज, जिसको आरएसएस का समाज या बीजेपी का समाज कहते हैं, वो नहीं चाहता है कि इस देश में हर आदमी तरक्की करे। ये देश है, समाज में एक समानता चाहता है, बुद्ध में समाज चाहता है, यानी कि बुद्ध में समाज का मतलब है कि हम सब एक विचारधारा के, एक देश प्रेमी हो, हम सबसे पहले भारतीय हों, ना कि हम बटे हुए जाति विभिन्न जातियों में बटे वे इंसान हो, कि हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ एक होना चाहिए, हमारा राष्ट्र एक होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जो है हिंदुवाद के चक्कर में अपने उन दलित भाइयों को, जिनको हम हिंदू नहीं मानते हैं और वो हिंदू हैं भी नहीं, ये वही लड़ाई है जो 5000 साल से आर्य और अनार्यों के बीच में चली आ रही है। हम अनार्य हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार से देश की व्यवस्था रही तो हमारी वो पुनः मांग फिर जागृत हो उठेगी, या तो हमारा अधिकार पूरा दिया जाए, नहीं तो इस देश में जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के माध्यम से। बीपी सिंह जी, मैं आपसे एक फिर जानना चाहूँगा कि जो आपने संविधान की बात करी, आपने कानून की बात की, सर आपने देखा होगा कि जब हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ थे, उन्हें आप लोगों ने यही बताया था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने कानून बनाया है। जब कभी कानून को बदलने की बात आती थी तो उन हमारे बुजुर्गों का ये कहना था कि अगर जिसने भी संविधान की तरफ उंगली उठा दी, हम उंगली तोड़ देंगे, अगर आँख से आँख मिला के देख ली उसकी आँख फोड़ देंगे। लेकिन आज हमारे जो करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उनके होते हुए आज संविधान के अंदर संशोधन हो रहा है, आज सो रहे हैं लोग। इसका मूल कारण है कि इस देश के इस प्रकार के षड्यंत्र ने हमारे समाज को विभिन्न यानी कि 6743 जातियों में जो बांट के रखा, उनको इकट्ठा नहीं बैठने दिया, उनमें रोटी बेटी का महत्व नहीं करने दिया, संबंध नहीं बनाने दिया, और उसको इस प्रकार से समाज को तोड़ दिया कि आज अगर एक समाज पर अगर अत्याचार होता है तो दूसरा उसको सामने देखता रहता है, जबकि कहते हैं कि धीरे धीरे उसका भी नंबर आएगा। ये आज जो अत्याचार हो रहा है, ये दलित वर्ग पे हो रहा है, यानी कि एससी के भाइयों पे हो रहा है और एसटी के भाइयों पे हो रहा है। अगर वही हमारा समाज, जिसको वो भी सूत्र में शामिल है, जिसको हम बहुजन समाज में पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अगर पिछड़ा वर्ग भी हमारे साथ आता है तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि ये देश में जो संविधान है, ये ऐसा संविधान बनाया गया है, दूसरा वर्ल्ड हमारे संविधान की कदर करता है, दूसरे देश हमारे संविधान के इस लोकतंत्र को कहता है कि भारत के जैसा जो संविधान है किसी भी देश का नहीं है। लेकिन ये इस देश के चंद यानी कि 15% लोगों को क्या आग लगती है, इनको क्या आपत्ति है, जो सारी दुनिया कहती है 85% संविधान को अच्छा बताता है, लेकिन 15% लोग ही नहीं चाहते ये संविधान के अनुसार काम करें। इनको वहाँ भी एक अप्रसन्नता का मैं कहूँगा कि छूतछात का उनसे है, उन्हें बाबा साहब की जात से पहले भी अछूत माना गया था और अभी भी ये हम ही को वही चाहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, निम्न स्तर पर हैं, अछूत हैं। ये नहीं चाहती कि अछूत का कोई भी बना हुआ काम या कोई भी बना हुआ संविधान या उसका बनाया हुआ कोई भी काम जो है सर्वोपरि हो, उसको मान्यता मिले, यही कारण है सबसे बड़ा। बीपी सिंह जी, आप इस एक्ट को लेकर आगामी योजना क्या रहेगी? हमारी आगामी योजना रहेगी, अगर किसी भी दृष्टि से अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की होगी, यहाँ एक ऐसा वार होगा जिसको कहते हैं सामाजिक क्रांति होगी, इस देश में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कोई भी ये देश है, अगर इसकी समानता को, अखंडता को किसी ने भी नष्ट करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारा समाज चुप नहीं बैठेगा, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ।